आप बेसिक एथिक्स भूल के आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके ऊपर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं जबकि आपको उनके लाइफ का सचमुच पता ही नहीं है, बिल्कुल पता नहीं होता। सो ये ऊपर से आप किसी का लिबास देखकर उसको समझ लें कि ये बुरा इंसान है या बुरी औरत है या बुरा आदमी है, ये जजमेंट अगर आपके ऊपर कोई पास करे तो आपको समझ नहीं आएगी आप छुपें कहाँ। लेकिन चूंकि आप तो मेज के नीचे बैठे हुए, आपको तो कोई जानता ही नहीं है, और बल्कि डीपी पे तस्वीर भी नहीं होती अपनी, नहीं वो भी किसी औरों की। ये तो ज़हनी मरीजों का एक जत्था है जो कि दूसरों को भी ज़हनी मरीज बना रहा है, पागल से लोग हैं। और अफसोस की बात है कि वो उनके अंदर ये इतनी अकल नहीं है कि सारी चीज़ें छोड़ दें, हमारा मज़हब क्या सिखाता है, दूसरों को जज ना करें, हमारा मज़हब सिखाता है लोगों के लिए गलत बात ना फैलाएं, बदगुमानी चुगली कैसा कैसी कैसी बातें आपने पढ़ी हुई, पूरी सोशल जो एथिक्स हमें सिखाए गए हैं, तो हमारे पास एक पूरा रूल है उसका। ठीक है, तो आप किसी को क्या पता आपको कि मैं 5 वक्त की नमाजी हूँ, किसी को क्या पता, मैं मतलब मैं अगर मैं आके टीवी पे कह दूं मैं हूँ ही अल्लाह के फजल से, लेकिन मैं क्यों बताऊँ आपको, वो मेरा और अल्लाह का मामला है। लेकिन बहरहाल जो भी है, आप कोई नहीं होते कि किसी की लाइफ बर्बाद करें, लोगों को खुदकुशियां करवा दें। अच्छा, हमारे यहाँ ही नहीं है सिर्फ, ये बाहर ये पूरी दुनिया में हो रहा है।